बालको आयोजित अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन ने कोरबा वासियों को काफी प्रभावित किया। अनेक काव्य रसिकों ने आमंत्रित कवियों की तारीफ तो की ही, आयोजन के दौरान श्रोताओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की दिल खोलकर सराहना की। वेदान समूह की कंपनी बालको एक नाम है विश्व में बेजोड़ तकनीकी और आर्थिक उन्नति का। देश को एल्युमिनियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान बालको का है। इसके अलावा वेदान समूह और बालको का एक और बड़ा योगदान है कला, संस्कृति और साहित्य को सहेज कर रखने का। बालको ने हाल ही में बालकोनगर के डॉक्टर अंबेडकर मैदान में अखिल भारतीय स्तर का काव्य सम्मेलन आयोजित किया। कोरबा क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों ने आयोजन का लुत्फ उठाया। काव्य रसिकों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रचनाकारों को तो दिल से सुना ही, उन्होंने बालको प्रबंधन की ओर से श्रोताओं के लिए की गई तैयारियों की भी खूब वाहवाह की। 21 मार्च को होली के शुभ पर्व पर और बालको के द्वारा जो हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसको आज भी शहर भूल नहीं पा रहा है। और विशेषकर मैं बहुत वर्षों वर्षों बाद ऐसा कवि सम्मेलन सुना जिसमें मुझे अत्यंत ही और सुख मिला है। स्तर का कवि सम्मेलन, स्तर के लोगों के बीच में बैठ करके सुनने का अपना आनंद है। और उसमें जो कुछ कवि थे, एक तो सांड उनका उपनाम था, नाम मैं भूल रहा हूँ, और एक मुस्लिम कवि थे सम्मान्य, वो उनकी रचना सुरेंद्र दुबे जी की रचना अत्यंत ही उत्कृष्ट थी। यानी मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, छात्र जीवन के दिन याद आ गए, जब मैं केवल कवि सम्मेलन सुनने नागपुर तक जाया करता था। नागपुर जाता था, रायपुर जाता था, बिलासपुर जाता था, दुर्ग जाता था, कवि नीरज को सुनने, व्यास को सुनने और मधु पांडे को सुनने, और भी बहुत से लोग हैं जिनकी रचनाएं बड़ी गंभीर और अच्छी हैं, उनको सुनने के लिए मैं दूर दूर तक जाता था मेरे शहर में। और इतना श्रेष्ठ और उच्च स्तर का आयोजन होगा, मुझे इसकी कल्पना नहीं थी। तो इस आयोजन के लिए मैं बालको प्रबंधन की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, विशेष करके वहाँ के सीईओ और गुंजन गुप्ता जो कार्यकारी निदेशक भी हैं, कि और अपेक्षा करता हूँ कि इस प्रकार का आयोजन शहर में वो बार बार करेंगे। फिर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उनको प्रेषित। होली के पावन अवसर पर बालको प्रबंधन द्वारा आयोजित हास्य व्यंग कवि सम्मेलन निश्चित ही बहुत ही बेहतरीन आयोजन था। आयोजन की सबसे अच्छी बात यह थी कि व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था के बीच यह आयोजन हुआ और सुव्यवस्थित होने के कारण श्रोताओं को जितना आनंद आया वह उसकी कल्पना श्रोताओं को पूर्ण भी नहीं थी। मैंने भी अपनी उम्र में सैकड़ों कवि सम्मेलन सुने हैं, लेकिन इतने शांत वातावरण में, इतने पारिवारिक वातावरण में सुनने का अवसर पहली बार मिला, जिससे मैंने ही नहीं अन्य श्रोताओं ने भी उसका लुत्फ उठाया। ऐसे लोगों को मैंने पहली बार देखा जो अन्य कवि सम्मेलनों में कभी शिरकत नहीं करते थे, लेकिन उस दिन जैसे कठघोरा क्षेत्र के विधायक बोधराम जी कंवर, बनवारी लाल जी अग्रवाल व महापौर जोगेश लांबा जी, प्रशासन की ओर से कलेक्टर श्री त्यागी जी, एडिशनल कलेक्टर श्री मिश्रा जी, वन विभाग के प्रमुख श्री हेमंत पांडे जी, पूरे आयोजन और पूरी कविता के सम्मेलन की समाप्ति तक उन्होंने इस बात का लुत्फ उठाया। यही इस बात को प्रदर्शित करता है कि वह आयोजन एक उत्कृष्ट आयोजन था। पहली बार बालकों ने सभी वर्गों के लिए समुचित व्यवस्था की थी, जिसमें कोरबा के गणमान्य नागरिक भी थे, प्रशासकीय लोग भी थे और प्रेस से भी थे, व्यापारी समुदाय से भी थे, इवन बालकों के सब अधिकारीगण और कर्मचारीगण भी थे और नगर की सामान्य पब्लिक भी थी। पहली बार मैंने व्यवस्था में ये देखा गया कि मान लो चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी आइटम आ रहा है, तो ये नहीं कि सिर्फ वीआईपी लोगों को ही कवरेज किया जा रहा था, वो सामान्य लोगों के लिए भी वैसा ही अवेलेबल था। और ये व्यवस्था हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए, वाकई इसके लिए बालको प्रशंसा का पात्र है। पहली बार बालको ने जो व्यवस्था किया इस ढंग से, जिसमें नगर के सामान्य वर्गों को भी उतने ही सम्मान से इस कार्यक्रम का सुनने का अवसर दिया, उसके लिए बालको की इस बार वाकई मैंने नगर में ही सराहना हो रही।
होली के उपलक्ष्य में भारत एल्युमिनियम कंपनी के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन अपने आप में अद्वितीय प्रोग्राम था। इसमें जो दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, ये तो अपने आप में बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से प्रबंध तंत्र ने किया। इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये प्रोग्राम आगे आयोजित करते रहें। और इतना अच्छा कवि सम्मेलन मैंने अपनी ज़िंदगी में इसके पहले कभी नहीं देखा है। पद्मश्री से सम्मानित सुरेंद्र दुबे जी, जिनका संचालन अपने आप में अतुलनीय रहा है, साथ ही वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र से हैं और यहाँ की जनता, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका प्रस्तुतिकरण, इन सब चीज़ों को देखते हुए सभी बालकोवासियों ने बहुत आनंद उठाया। ऐसे कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते रहना चाहिए और मैं लायंस क्लब परिवार की ओर से भारत एल्युमिनियम कंपनी के प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में इतने ही अच्छे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। ग्राम मड़ई में बालको अस्पताल ने कैंसर जांच शिविर आयोजित किया। 111 ने परीक्षण के लिए पंजीयन कराया। जांच के बाद 5 को उच्च स्तरीय जांच और परीक्षण के लिए बालको अस्पताल रेफर किया गया। शिविर में विभिन्न मौसमी बीमारियों से पीड़ित नागरिकों का निःशुल्क उपचार किया गया। कैंसर जांच शिविर बालको अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोजित हुई। डॉक्टर श्रीवास्तव की अगुवाई में बालको अस्पताल के चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों ने पंजीकृत लोगों की जांच की। मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोगों को निःशुल्क दवाइयां दी गई। बालको की ओर से आयोजित कैंसर जांच शिविर में चलित कैंसर जांच वाहन की मदद ली जाती है। इस अत्याधुनिक वाहन में लैब परीक्षण की सुविधाएं मौजूद हैं। वाहन में मौजूद वीडियो के माध्यम से लोगों को कैंसर के इलाज और उसकी रोकथाम के बारे में बताया जाता है। पॉम्पलेट भी बांटे जाते हैं। मतलब गांव में आए हैं, बालको से शिविर लगाए हैं, कैंसर के जांच हुआ थे। वो हमार भाई बहनी मतलब सबला फायदा हुआ थे।